हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सारे पॉइंट पर नज़र डालेंगे एक बार। तो देखिए, सबसे पहले आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम जनरल इक्वेशन भी कहते हैं, इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, फिर ए बी सी आपके होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में आपके अंडर रूट टू, माइनस का टू, टू अपॉन थ्री, कोई भी नंबर हो सकता है और यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में दे सकते हैं, देखिए पहली इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, तीसरी और ये चौथी, इसमें कि आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो कहीं से भी जीरो नहीं होगा। आपका एक्स का कोफिशियंट जीरो हो सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो सकती है या फिर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपका जो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट है वो हमेशा बना रहेगा। तो ये कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आते हैं इसके रूट्स के ऊपर। तो रूट्स में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके नंबर ऑफ द जीरोस होंगे टू, तो इसमें कभी कभी आ जाता है कि इक्वेशन हैज़ कैन हैव और डैश, इसमें ऑप्शन में आ जाएगा वन रूट, टू रूट, एटमोस्ट टू रूट एंड नो रियल रूट। तो ये देखिए आपका बेस्ट आंसर है एटमोस्ट टू रियल रूट, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी डी हमारा जो इक्वेशन होती है उसके जीरोस हमारे कभी कभी रियल नहीं आते हैं, इमेजिनरी आते हैं। इट मीन्स वहाँ पर मैक्सिमम टू रियल रूट्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकते हैं, रियल रूट्स इमेजिनरी रूट बने रहेंगे। तो देखिए कैसे करके हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि एटमोस्ट टू रियल रूट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख सकती है। फिर आते हैं इसके बाद कि कैसे हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पहले उस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इसमें से फाइंड करेंगे डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, मीन्स इसमें से डी निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी निकालने के बाद इसमें तीन कंडीशन बनती हैं। तीन कंडीशन में जैसे कि आपका पहली कंडीशन ये होगी कि हो सकता है कि डी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन जीरो, मीन्स माइनस का नंबर आ सकता है, तो माइनस के नंबर में वो जीरो से छोटी होगी, तो वहाँ पर हमारे कोई भी रियल रूट नहीं बनेंगे। देखिए रही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन इसमें कोई भी रियल रूट नहीं बन रहा है। अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपने सॉल्व किया और वहाँ पर आ गया जीरो, इट मीन्स उस इक्वेशन के दो रियल रूट्स रहे होंगे। इसके बाद अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, लाइक प्लस का टू, प्लस का वन, प्लस का थ्री, कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पर उस इक्वेशन के दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, मींस दो रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे। तो डी फाइंड करने के बाद फिर हम लगाते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये रहेगा एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके आपके फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं उन सभी के फैक्टर आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें अंडर रूट में इक्वेशन देखने को मिलती है, लाइक अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का अंडर रूट में ही टू मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई आप अंडर रूट टू से करेंगे तो आ जाएगा टू, तो ये सिंपल हो गया। अब टू के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके थ्री आ जाए, तो इसको अगर आप फैक्टर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, टू प्लस वन कर सकते हैं, और अगर आपको फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप उसे कन्वर्ट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जो कि पहली इक्वेशन है हमारी, और उसके बाद इसमें आप यहां से एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए लगा के जीरो फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आपको जरूर देखने को मिलेंगे, आप इन्हें सॉल्व जरूर करें। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। तो पहला क्वेश्चन आता है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू अ बैड वेदर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप आर रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आर। सिंपल सी बात है, जब आप तेज स्पीड से जा रहे हो तो आप अपनी जगह पर जहाँ भी जाना है वहाँ पर आप टाइम से पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर आपकी स्पीड को कम कर दिया जाए तो सिंपल सी बात है आप टाइम ज़्यादा लेंगे। तो वही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आर कम कर दिया गया, जिससे वहाँ पर 30 मिनट से ज़्यादा लगे। तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछ रहा है कि एक्चुअल ड्यूरेशन क्या होगी। तो पहले कोई स्पीड उसकी रही होगी x, लेकिन जब उसमें से कुछ तो हमने मान लिया कि टाइम उसका रहा होगा t। अभी उसकी स्पीड को क्या कर दिया गया, 200 किलोमीटर कम, तो टाइम मान लिया हमने लगेगा उसे t1। तो टाइम आपको पता होगा कौन सा ज़्यादा होगा, जब उसकी स्पीड को कम कर दिया जाएगा तो टाइम t1 हमारा
सॉरी कम नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टी वन ज़्यादा होगा क्योंकि स्पीड कम कर दी गई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टी हमारा जो नेचुरल स्पीड चल रहा था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए हम स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो वही है 600 और नेचुरल स्पीड थी उसकी एक्स, लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, डिस्टेंस वही है 600 लेकिन उसे जो स्पीड थी उसकी 200 किलोमीटर कम कर दी गई है। तो टाइम आपका टी वन ज़्यादा होगा, तो टी वन में से टी घटा के आपको क्या रखना है, जितना उसका डिफरेंस दे रखा है। तो डिफरेंस कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आपको इसे आवर में चेंज करना होगा, 30 मीन्स हाफ एन आवर। तो आप इसे चाहें, अगर मिनट आपका वैसे दे रखा है तो आप इसे 60 से डिवाइड करके चेंज कर सकते हैं, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। और फिर इसके बाद 600 अपॉन x माइनस 600 x माइनस 200, और अब माइनस करके 600 अपॉन x को करके अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे आप सॉल्व करके यहाँ से इसके स्पीड को निकालेंगे, और स्पीड पुट करके वहाँ से आप इसका टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका हुआ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन अभी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद। एक ये सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी है। यहाँ पर हो सकता है कि ये डिजिट आपकी जो चेंज हो जाएगी, और एनसीईआरटी की बुक में कुछ और हैं, टू टैब्स हैं जो कि एक साथ भर रहे हैं, तो 3 होल 1/13 में भर रहे हैं। एक जो टैप है वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है दूसरे वाले से, तो कितना टाइम दोनों लेंगी फिल करने में अगर वो अकेले अकेले भरेंगी, एक एक टंकी कितना कितना टाइम ले रही है। तो मान लिया हमने एक ले रही है एक्स आर, तो एक उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, तो एक्स प्लस 3। ज़रूरी नहीं है आप इन दोनों को लें, अगर आप एक एक्स ले रहे हैं तो एक एक्स माइनस 3 भी ले सकते हैं। ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही है और ये 3 घंटे कम ले रहे हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जिसमें हम करते हैं क्वेश्चन, जैसे कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसका हम करते हैं 1/5। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। देखिए टाइम को आपको पहले मिक्स से फ्रैक्शन में करना है, तो 13 3 39 और 1 हो गया 40, तो 14/40 हो जाएगा 13। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोनों वर्क कर रहे हैं, तो जब दोनों वर्क करेंगे तो पहला वाला कितना वर्क कर रहा है, 1/x, ये इसका 1 आवर का वर्क हो गया, प्लस दूसरा वाला वर्क कितना कर रहा है, उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो 1/x+3। और इसके बाद आप इसके टाइम को भी टोटल को उल्टा करेंगे, तो 13/40। और फिर इसका एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे आप सॉल्व करके यहाँ से उसका टाइम हर टंकी का अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखिए अगले मिलेंगे देखने को। फिर से देखिए एक मोटर बोट है तीसरा, एक बहुत अच्छे अच्छे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन चुने गए हैं। देखिए आपके ये लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, 16 17 18 19, और आपको ज़रूर मिलेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को। तो एक मोटर बोट है, इसकी स्पीड है स्टिल वाटर में, मीन्स रुके हुए पानी में उसकी स्पीड इतनी है। अब वो 1 आवर मोर ले रहा है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, मीन्स पहले वो ऊपर जा रहा है, ऊपर का मतलब नदी से जो डायरेक्शन है उसकी, उसके अपोजिट जा रहा है। तो जब अपोजिट जाएगा तो हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही कि उसकी स्पीड को पानी कम करेगा। जब आप पानी के अपोजिट चलेंगे तो स्पीड आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, और जब पानी के साथ चलेंगे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये आप नाव लेके जा रहे हैं, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये आपकी स्पीड को कम करेगा। आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं और नाव भी ऊपर से नीचे आ रही है और आप भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये आपकी स्पीड को क्या करेगा, प्लस, और इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब जो नदी बह रही है वो कितनी स्पीड से बह रही है। मान लिया वो एक्स की स्पीड से बह रही है और 18 किलोमीटर उसकी स्पीड है पानी में रुके हुए, तो जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर 18 की स्पीड से जाएगा, पानी उसे x की स्पीड से कम करेगा। तो जब ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 18 माइनस x। फिर सेकंड कंडीशन में जब वो नीचे आएगा, पानी भी नीचे आ रहा है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 18 प्लस x। अब इसके बाद फिर से देखिए टाइम का इसमें कंडीशन दे रखी है कि टाइम 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मीन्स ऊपर जाने में और नीचे आने में दोनों में, ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटे ज़्यादा है कंपेयर टू नीचे आने में। तो देखिए हमने मान लिया कि ऊपर जाने में उसे लगा टाइम T1 और नीचे आने में टाइम लगा T2। टाइम कौन सा ज़्यादा है, T1, किससे ज़्यादा है, T2 से। तो यहाँ पर एक कंडीशन बन जाएगी,
तो जब हम ऊपर जाएंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा और नीचे आएंगे तो टाइम कम लगेगा। मान लिया ऊपर जाने में टाइम T1 लग रहा है और नीचे आने में टाइम T2 लग रहा है, ये टाइम ज़्यादा है ये टाइम कम है, और कितना ज़्यादा है 1 आवर। तो आप T2 में 1 ऐड कर सकते हैं या फिर T1 में 1 माइनस कर सकते हैं या फिर T1 - T2 = 1 कर सकते हैं। अब टाइम बराबर फिर से भाई स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 24 और स्पीड कितनी है उसकी, एक बार लगेगी आपको x - 18 - x, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा है। फिर जब ऊपर से नीचे आएंगे तो डिस्टेंस वही है लेकिन अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 में एक्स ऐड हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, और इसके बाद फिर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए फिर से वही टैब वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, 2017 में आया है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है जो कि आपका NCERT एक्सरसाइज में भी दे रखा है, जिसमें कि रेक्टेंगुलर पार्क है और डिजाइन करा गया है, इसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर लेस देन है इसकी लेंथ से, तब एरिया 4 मीटर स्क्वायर हो जाता है जो एरिया पहले था उससे। इसके बाद वो कह रहा है मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल विद इट्स बिट्स, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ द एल्टीट्यूड 12 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। तो मान लीजिए अगर रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ है एक्स एंड वाई, रेक्टेंगुलर पार्क का अगर लेंथ मान ली ब्रेथ मान ली तो उसमें एरिया हो जाएगा एक्स इंटू वाई। इसके बाद वो एक कंडीशन आप यहाँ से बनाएंगे, वो कह रहा है कि ब्रेथ 3 सेंटीमीटर लेस देन है। अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो ब्रेथ 3 सेंटीमीटर कम है लेंथ से, तो इक्वेशन बन जाएगी x - y = 3, क्योंकि लेंथ में से आप ब्रेथ घटा के 3 लेके आ सकते हैं, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में कह रहा है उसका एरिया जो था वो हो जाता है 4 मीटर स्क्वायर मोर देन, तो आपकी कुछ इक्वेशन ये बन जाएगी जब आपने x में 3 कम कर दिया और y वही है तो हो जाएगा x π + 4। यहाँ से अब एक इक्वेशन बनाएंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि एक आइसोसेल ट्रायंगल के बराबर हो जाता है जो कि किस शेप में है, जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार्क की है और एल्टीट्यूड है 12 है, तो जो ब्रेथ है वो रेक्टेंगुलर पार्क का, वो आइसोसेल ट्रायंगल की क्या है, बेस है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस लिया है हमने बाई और हाइट ली है हमने 12, तो यहाँ से ये 6/2 हो जाएगा जो कि एरिया है जिसको आप रखेंगे उस इक्वेशन में उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसे आप सॉल्व करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, एक प्लेन है जो कि लेफ्ट कर रहा 30 मिनट, सेम वही क्वेश्चन है, 30 मिनट लेट है, वहाँ भी 30 मिनट लेट था, बस यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 1500 किलोमीटर हो गई है और उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया है। तो फिर से भाई हमने इसकी यूजुअल स्पीड मान ली x, टाइम मान लिया कि उसमें मिल रहा है T, और अब डिस्टेंस कितनी है 1500, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1500 और टाइम उसे लग रहा है और स्पीड उसकी है एक्स, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। फिर इसके बाद 30 मिनट लेट चला है प्लेन, इसलिए उसकी स्पीड को 100 किलोमीटर/आवर बढ़ा दिया गया, मीन्स इसमें इंक्रीज करा गया है। तो ये अगर टाइम अगर T1 है तो उस टाइम को आप लेंगे T2, और T2 को कैसे डिक्टेट करेंगे दिखाएंगे। T2 इक्वल्स टू हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है लेकिन इसकी स्पीड को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब टाइम कौन सा ज़्यादा होगा, इसकी स्पीड कम होगी, तो T1 में से आप फिर से T2 घटाएंगे, T1 - T2, क्योंकि T1 टाइम ज़्यादा वाला है, इक्वल्स टू 30 मिनट है, 30 मिनट मीन्स 1.5 आवर। फिर वैल्यू पुट करके फिर से आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इनको सॉल्व करके फिर आप इसकी स्पीड ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको NCERT एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं और RD शर्मा में बहुत सारे दे रखे हैं, और ये साथ साथ एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इस तरह का, जिसमें आपको इनको सॉल्व करके LCM लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी और वहाँ से आप इसका इसमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आगे देखने को मिलेंगे। ये फिर से एक क्वेश्चन आपका NCERT बेस्ड ही है, इसमें NCERT के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और उसी से बेस्ड आपके क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि 2 स्क्वायर हैं, उनका एरिया का सम दे रखा है 157 और दोनों का पैरामीटर का भी 68 दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है दोनों की साइड।
देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x और y आप इन दोनों की साइड मान लें अगर, तो इन दोनों का एरिया क्योंकि है स्क्वायर, तो x अगर साइड है तो एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, y अगर साइड है तो एरिया हो गया वाई स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ रहा है 157। ये की फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर वो कह रहा है कि दोनों के पैरामीटर का सम भी दे रखा है 48, मींस अगर x साइड है तो पैरामीटर 4x तो कि स्क्वायर है, y साइड है तो पैरामीटर 4y और इक्वल में आ जाएगा 68। आप यहां से 4 कॉमन लेके काट सकते हैं तो यहां पर ये 17 आ जाएगा, और आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 17, और x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वहाँ से आपका x और y दोनों निकल के आ जाएंगे। पहले आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप x या y निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, ये इसमें मोटरबोट वाला है और ये देखिए फिर से कितनी बार आया हुआ है, स्पीड है इसकी 18 किलोमीटर पर आर स्टील बॉटम में और वहाँ पर 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है और सेम ही क्वेश्चन लेने लग रहा है शायद, तो फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए फिर से वही आ रहा है कि 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्लो डाउन हो गया बैड वेदर की वजह से, स्पीड को कम कर दिएगा, टाइम 3 घंटे 30 मिनट ज़्यादा लगे, तो ये आप क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं वहीं पर जैसे बताया मैंने। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बहुत सारे इस टाइप के बहुत रिपीट होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन ना बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड ही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए मैं लेके आया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड के पेपर में। तो ये इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले जाके जरूर देखें। और इसी तरीके से मेरे चैनल बने रहिए, अगले चैप्टर नंबर 5 की हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।